Good evening everyone, today we are going to live class for 12th class chemistry and today's topic is ligand. पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी coordination compound की, already हम लोग जान चुके हैं coordination bond क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने for example लिया था कि एक तरह से एक तरफा प्यार जिसे हम लोग कहते हैं, वन साइडेड लव जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि coordination bond तभी बनता है जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल और कोई ऐसा एटम्स, कोई ऐसा आयन जिसके पास उसका अष्टक पूरा हो, उसकी वैलेंसी पूरी हो और वो किसी ऐसे अणु या आयन को अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, ठीक है ना, तो इस तरह का बॉन्ड देखा जाता है और उसी बेस पे इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि सिंपल तौर पे कहा जाए कि बात आती है कि हुई द एबिलिटी टू लीव इन वन साइडेड लव, एक तरफा पार कौन जिंदा रहता है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जीनियस इंटेलिजेंट वो होते हैं जिन्हें कोई डबल साइडेड दोनों तरफ से प्यार आसानी से मिल जाता है। जीनियस वो होते हैं जो किसी अपने दिल में प्यार होता है और दूसरे के दिल में भी प्यार जगा देते हैं, दैट मींस वो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं और दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना देते हैं, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें डबल साइडेड मोहब्बत होती है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयर करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं जीनियस। इंटेलिजेंट वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके अपना बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके बॉन्ड बना लेते हैं, दैट मींस उनका दिल लिया, अपना दिल दे दिया, दैट मींस कॉल्ड, इसमें क्या हुआ, इंटेलिजेंट वो है जो अपना दिल दिया और इनका दिल ले लिया, ठीक है। ये है जो किसी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर देते हैं जिसमें दोनों की शेयरिंग होती है। और लीजेंड वैसे होते हैं, इसमें तो व्यक्ति आसानी से लीव करता है, लीजेंड वो होते हैं जो वन साइडेड लव करते हैं, दैट मींस वो सिर्फ अपना दिल लेते हैं लेकिन ये जो होता है वो उसका दिल नहीं ले पाते हैं, फिर भी वो अपनी मोहब्बत को जिंदा रखते हैं। और इस लीजेंड के होने के कारण ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो आज इसी लीजेंड की कैरेक्टरिस्टिक, इसी लीजेंड की व्याख्या, इसी लीजेंड का क्या कह सकते हैं कि महानता का वर्णन हम लोग करेंगे कि ये लीजेंड कौन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सारी खूबियां, ये सारी इनकी महानता का वर्णन आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं कि लीजेंड अगर नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अस्तित्व नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तभी जब लीजेंड एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के महानता का वर्णन करने वाले हैं कि लीजेंड का लीजेंड को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, लीजेंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीजेंड कितने तरह के होते हैं। और तो आइए देखते हैं कि आप लीजेंड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ओके आइए। तो आयंस आवर मॉलिक्यूल दैट आयंस आवर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड लीजेंड। हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिखिएगा, हम बोल देते हैं कि वैसे अणु या आयन
जो किसी उप सह संयोजन सत्ता के अंदर चाहे किसी उप सह संयोजन सत्ता में सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग लीजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीजेंड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वैसे अणु या आयन जो किसी उप सह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीजेंड कहलाते हैं। तो लीजेंड इस महान व्यक्ति का डिफिनीशन यही है। अब बात आती है कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आइए बात करते हैं। ये लीजेंड ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा ये आयंस भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। आयंस के क्या क्या एग्जाम्पल है? सीएल माइनस, F माइनस, तो कोई भी हैलोजन ले लीजिए, ठीक है? तो कोई भी हैलोजन ले लीजिए, डॉट 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 ऑल हैलोजन्स आप यहां पे लिख सकते हैं सीधे, डॉट 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 हैलोजन्स, ठीक है? उसके बाद OH माइनस, चाहे इसको हटा दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? OH माइनस, ठीक है? तो ये सब आयंस हैं जो कि आपको प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है स्मॉल मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे H2O, ये माना लीजेंड है, इनको भी एक तरफा का मोहब्बत करने का शौक है। NH3 ये भी है, CO ये भी है, है ना? तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है जो एज अ लीगेंड आपके किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद आता है लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल जो इनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? NH2, CH2, NH2। इनका पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। इसको हम लोग, अगर आप कोई कंपाउंड जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय हम सीधे EN से सूचित कर देते हैं, SEN, ठीक है? SEN, ठीक है? तो ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल भी होता है आपका। इसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं यानी कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। कोई प्रोटीन भी, कुछ प्रोटीन्स भी ऐसे होते हैं जो लिगेंड की तरह काम करते हैं। इसमें एक और हम लोग नाम जोड़ देते हैं, EDTA4-, EDTA4- EDTA का पूरा नाम होता है, हम यहां पे लिख देते हैं, EDTA का पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है? तो ये आपको एग्जांपल्स हैं आपके लीजेंड के, जो कि आयंस के रूप में पूछा जाए, स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में पूछा जाए तो आपके सामने है, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में पूछा जाए तो आपके सामने है, मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में पूछा जाए तो आपके सामने है, ठीक है? तो ये है आपके एग्जांपल्स ऑफ लीजेंड, ठीक है? अब बात आती है कि ये कितने तरह के होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। इडीटीएग्राम में नाम लिख दिया, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट 4-, इसमें 4 निगेटिव चार्ज होते हैं, ओके? चलिए अब बात आती है कि ये कितने तरह के होते हैं। ये आपको अगर बता दें तो इसको जो है बांटा जाता है कि ये कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उस बेसिस पे, कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखिएगा दंतुरता, चाहे एक मिनट लिखिएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता के आधार पर,
ठीक है। पहला होता है आपका मोनोडेंटेट, सॉरी मोनो डेंटेड, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं एकल दंतूर। क्या कहते हैं? एकल दंतूर। तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लीजेंड हु बाइंड विद सेंट्रल मेटल बाय सिंगल एटम, किसी एकल अणु सॉरी किसी एकल परमाणु के साथ अगर वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, चाहे जुड़ा रहता है, चाहे लीजेंड हु फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल बाय सिंगल एटम, तो अगर वो किसी एकल एटम के द्वारा क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो एकल एटम आपको बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। चाहे आप लिख सकते हैं दूसरे तरह से इसका, अगर एग्जाम्पल लिखें ऑब्लिक दे दीजिए लीजेंड हु डोनेट सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मोनोडेंटेट, ठीक है, कॉल्ड मोनोडेंटेट। अब बात आती है कि अगर वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे मोनोडेंटेट कहते हैं, चाहे एकल एटम के द्वारा जुड़ा रहता है तब भी मोनोडेंटेट कहते हैं। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं मोनोडेंटेट में, क्या आ जाएंगे? जितने भी हैलोजन्स होते हैं जैसे हमने कहा सीएल माइनस बीआर माइनस एफ माइनस, जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो सब के सब मोनोडेंटेट होते हैं। आपका H2O NH3 CO OH माइनस, ये सब के सब आपको मोनोडेंटेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाई कहिए डेंटेट लीजेंड हु डोनेट डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल आपका हमने आपको बता दी, इसका एग्जांपल जो होता है वो है ईएम, जो अभी हमने कहा इथिलीन डाइएमीन। तो इथिलीन डाइएमीन जो होता है वो डाइडेंटेट होता है। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है कि वैसा लिगेंड, जैसे हमने कहा कि लीजेंड हु डोनेट वन पेयर, अगर वैसा लीजेंड यानी कि आप बोल सकते हैं कि लीजेंड हु डोनेट मोर देन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट। मतलब वैसा लीगेंड, ध्यान दीजिएगा, वैसा लीगेंड जो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है केंद्रीय धातु को वो क्या कहलाता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। हिंदी में उसको बहुदंतूर लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुदंतूर लिगेंड, ठीक है। तो तीन तरह का आपने देख लिया, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और तीसरा आपका होता है पॉलीडेंटेट, जिसमें आपका जो लिगेंड होता है वो दो से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, ठीक है। चौथा आपका आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उभय दंतूर का मतलब होता है लिगेंड who have ability to donate, more than
one pair of electron our who have two atoms that bind with that can bind with central metal, but they bind only with सिंगल मीटर. कहने का मतलब है कि वैसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है एक बार में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयदंतु लिगेंड कहते हैं. चाहे इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक एटम लिगेंड के सॉरी एक से अधिक एटम आपको क्या कहते हैं कि सेंट्रल मेटल से जुड़ने की क्षमता रखते हैं लेकिन एक बार में कोई एक ही लिगेंड जुड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं उभयदंतु चाहे एम्बिडेंटेड लिगेंड. इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा क्या होगा, CN- चाहे NC- साइनाइड चाहे आइसोसाइनाइड इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है और नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है लेकिन एक बार में कोई एक ही बनाता है ठीक है. अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स बाइंड विद ऑन द बेस यहां लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स बाइंड विद सेंट्रल मेटल कि कितने मतलब किस आधार पर कि कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन के सॉरी कितने एटम्स सेंट्रल मेटल के साथ बाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ. ये तो हो गया कि उसकी डेंसिटी के आधार पर कि वो कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसके आधार पर था. अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स बाइंड विद सेंट्रल मेटल. इसमें आता है आपका चिलेट लिगेंड ठीक है. हिंदी में आप इसको कीलेट लिगेंड भी कहते हैं ओके चलिए. अब ये कहता है कि लिगेंड हु फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल बाई मोर देन वन एटम कॉल्ड चिलेट लिगेंड. कहने का मतलब है कि वैसा लिगेंड जिसका एक से ज्यादा अणु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है किसके साथ आपको सेंट्रल मेटल के साथ उसको क्या कहते हैं कीलेट लिगेंड कहते हैं. वैसा लिगेंड जिसका एक से ज्यादा अणु सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कीलेट लिगेंड कहते हैं. इसमें कौन कौन सा आ जाएगा इसके एग्जांपल में देखा जाए तो डाइडेंटेट के जितने एग्जाम्पल होंगे सब कीलेट होंगे और पॉलीडेंटेट के भी जितने एग्जाम्पल होंगे सब कीलेट लिगेंड. एम्बीडेंटेट का नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि उसमें दो से ज्यादा के पास क्षमता होती है लेकिन बाइंड कोई एक ही करता है. मोनोडेंटेट भी नहीं हो सकता क्योंकि मोनोडेंटेट में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन होता है और वो कोई एक ही एटम करता है ठीक है. तो कीलेट लिगेंड अब आप समझिए. अब ये लिगेंड जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित होता है उसको हम लोग कीलेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. यानी कि वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कीलेट लिगेंड उपस्थित हो उसको हम लोग कीलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं ठीक है. तो आई थिंक आप लिगेंड की महानता को समझ गए होंगे. ये बेचारा एक तरफा मोहब्बत में भी कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ मौजूद है. कितने ऐसे महान लोग हैं
जैसे H2 है, एमीन है, कार्बन कार्बोनिल है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स ऑफ लिगेंड हैं जो आपको एक तरफा मोहब्बत करते हैं, लाइव रहते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में आपकी मदद करते हैं। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारी लाइफ में बहुत सारा महत्व है इनका, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, आप देखेंगे आगे। यानी कि अगर ऐसे लोग नहीं होते, ये लीजेंड नहीं होते, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता और हमारी कई ऐसी जरूरतें हैं जो हमें हमारी पूरी नहीं हो पाती इनके अभाव में। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिएगा, और अभी तक अगर आपके किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।